नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली स्टॉक एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको इंट्राडे के लिए दो बेस्ट स्टॉक बताने वाला हूँ जिनमें आपको कल यानी ट्यूसडे के दिन एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये हमारी वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है, आई थिंक 2-3 दिनों के बाद, क्योंकि देखिए सैटरडे को भी मार्केट ओपन था बट बजट की वजह से काफ़ी मार्केट वोलेटाइल था तो हमने कोई वीडियो नहीं दिया आपको। और ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि मंडे को भी मार्केट काफ़ी हाई वोलेटाइल होने वाला है तो वीडियो बनाने का कोई फायदा था नहीं। स्टॉक निश्चित ही गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाते और आप उसमें आप गलत एंट्री कर सकते थे, जस्ट फॉर सेफ्टी हमने कोई वीडियो आपको नहीं दी। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कल ट्यूसडे के लिए, तो आप वीडियो बने रहें। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं जरूर सैटरडे और मंडे को एक्टिव था, वहाँ पर मैंने कुछ कॉल भी पोस्ट की जिनमें एक अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिला, तो अगर आपने उसको फॉलो किया हुआ है तो निश्चित ही आपको वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो पहला स्टॉक है कल ट्यूसडे के लिए वो कौन सा है। मैं आपको बता दूं, मेरे जो भी कॉल होते हैं, चाहे मेरे YouTube वीडियो की कॉल हो या मेरे टेलीग्राम चैनल की कॉल हो, सभी कॉल्स कैश स्केलेबल होते हैं, कोई फ्यूचर स्केलेबल नहीं होता। तो अगर आप इनको वॉच करते हैं तो आप कैश के चार्ट पर वॉच करें। सभी कॉल्स मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से देता हूं, मेरे में आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं होती, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। तो कृपया कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। दोस्तों हमारा पहला स्टॉक है अजंता फार्मा का। देखिए अजंता फार्मा एक अप फ्लैग पैटर्न में है, स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है, तो अगर अपने इस हाई को ब्रेक करता है निकलता है अपसाइड में तो इसको हम बाई करेंगे 1181 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1171 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1190, सेकंड टारगेट 1199, अंतिम टारगेट रहेगा 1208 का। अगर अजंता फार्मा अपने इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करता है नीचे के साइड में निकलेगा तो इसको हम सेल करेंगे 1169 के नीचे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1179। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1160, सेकंड टारगेट 1151, अंतिम टारगेट रहेगा 1142 का। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे लिंक के थ्रू आप स्टॉक्स में या जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, अकाउंट ओपन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अकाउंट ओपनिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने से, मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पर आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे की कॉल्स मिलेंगी, आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपको वहाँ पर सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अगर अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया तो अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना है तभी आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, तभी आपको उसमें बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आपका जीरोधा में या आप स्टॉक्स में अकाउंट पहले से तो आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। हमारा आज का अंतिम स्टॉक है बाटा इंडिया का। देखिए बाटा इंडिया ने भी एक बेहतरीन फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है, एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न है, तो अगर अपने इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करता है निकलता है अपसाइड में तो इसको हम बाई करेंगे 1855 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1845 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1865, सेकंड टारगेट 1875, अंतिम टारगेट रहेगा 1885 का। अगर बाटा इंडिया नीचे को निकलेगा तो हम सेल करेंगे 1841 के नीचे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1851 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1831, सेकंड टारगेट 1821, अंतिम टारगेट रहेगा 1811 का। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही इंट्राडे के लिए वीडियो लाता रहता हूं जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।